आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइस मनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो गाइस, मैं हूं परवेज खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पाइस मनी का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक बिल्कुल ही फ्री है, जहां पे आप बहुत सारी सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करके एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर से स्पाइस मनी अधिकारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन स्पाइस मनी नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर देंगे जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपकी एक बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नेम इंटर करना होगा, फिर एक ईमेल आईडी, एक पिन कोड आपका और आपका पूरा एड्रेस, और एड्रेस का प्रूफ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड में आप चाहें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी आप यहां पे दे सकते हैं। कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अपलोड फोटो यहां पे फ्रंट साइड और यहां पे बैक साइड। क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा। आप यहां से चाहे तो आप कैमरे से भी इसे अपलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट आप गैलरी से भी इसे पिक कर सकते हैं। और यहां पे आप अपना आधार कार्ड नंबर भी फिल कर देंगे। इसके बाद आपके सामने एक ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा, यानी कि आपने जो भी डिटेल फिल की है उसके बाद आपके सामने एक ग्रीन टिक आ जाएगा। इसके बाद आप पैन डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप कैमरे से या गैलरी से इसकी भी एक फोटो अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप एक पर्सनल डिटेल अपनी डाल देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे अपने फादर का नेम इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर करेंगे और फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी कि आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद शुदा हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे अनमैरिड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर देंगे। इसके बाद आप कोर्स यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे नन। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट और कॉलेज का नाम इंटर कर देंगे। यहाँ से आप जो भी ईयर में पास किए हुए हैं वहाँ पे आप अपना पासिंग ईयर इंटर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल ऐड कर लेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप अपना बैंक का डिटेल ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपने बैंक पासबुक का एक फोटोकॉपी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आप चाहें तो आप बैंक का फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं या अपलोड बैंक पासबुक भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैंसिल चेक, तो यहाँ पे हम बैंक की पासबुक अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से आप कैमरे या गैलरी में आप पहले से इंटर करके इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी शॉप की लोकेशन ऐड कर लेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे शॉप का नेम इंटर करेंगे। यहाँ ओपन टाइम, यहाँ पे आपकी कब क्लोज होती है उस वक्त का टाइम इंटर करेंगे। अगर आपकी शॉप वीकली ऑफ होती है डे में किसी दिन, तो यहाँ पे आप यस कर लेंगे, अदरवाइज नो कर लेंगे। यहाँ पे आप शॉप का जो भी पिन कोड है वहां पे इंटर कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे आप पूरा एड्रेस इंटर करेंगे और जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है शॉप का वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी बिजनेस की डिटेल डाल लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट ऑक्यूपेशन करेंगे, आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्राइवेट हैं या अदर, तो आप बिजनेस है तो आप बिजनेस भी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज अदर चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेटवर्थ आप डाल सकते हैं, आप कितनी नेटवर्थ है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद टर्नओवर आपका कितना है, तो आप टर्नओवर लेस देन 5 कर सकते हैं। ओपनिंग सिंस, यानी आपकी शॉप कब से ओपन हुई है, यहाँ पे कोई एक डेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन है एड अदर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पॉलिसी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं तो आप लिख देंगे नो, और यहाँ पे आप लिखेंगे इंटर अरेंजमेंट नो, इंटर नॉमिनी नेम, या किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पे इसका रिलेशन भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बचा है, क्लिक सेल्फी विद शॉप, अगर आप सेल्फ अपनी शॉप पे हैं तो वहां से एक सेल्फी भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड टू क्लिक सेल्फी पे क्लिक करेंगे करके आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। इसके बाद साथ ही साथ आपके एक कंफर्म लोकेशन भी मांगेगा, तो आप लोकेशन सेट करके पॉइंटर पे जहां पे भी आपकी शॉप होगी वहां पे पॉइंटर लाएंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल वीडियो डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन है जो कि लास्ट है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका एक वीडियो डिक्लेरेशन होगा जो कि स्क्रीन पे जो भी चीज आएंगी उसे आपको बोलना पड़ेगा कैमरे के सामने। इसके लिए आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू रिकॉर्ड वीडियो करेंगे, रिकॉर्ड करते ही आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट नाउ एक ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आप इस जो सर्कल दिया है इसमें आप अपना फेस करेंगे और रेड का जो बटन दिया हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपकी रिकॉर्ड होने लगेगी। इसके बाद आप अपनी पूरी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे जो कि सब कुछ ओके है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, डिटेल सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा, आप चाहे तो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या तो आप दिए गए नंबर पे 24 आवर्स के बाद आप यहाँ पे कॉल करके आप अपनी डिटेल्स को अप्रूव करा सकते हैं, और अप्रूव कराने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पाइस मनी में क्या क्या ऑफर्स मिलते हैं और क्या क्या सर्विस दी जाती है जिससे आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देके एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं।